24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, अब इस युद्ध को एक महीना हो गया है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, कब खत्म होगा? कोई तारीख तो किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां ये भी उठता है कि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किस आधार पर कहा कि यह युद्ध चलेगा कम से कम 9 मई तक। 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, जीत घोषित की जाए, लेकिन 9 मई की तारीख आखिर क्यों चुनी गई? हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 9 मई की तारीख की अहमियत द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक क्यों है। मई 2000 नियंत्रण रेखा पर आमने सामने डटी थी जो अब भी तैनात है। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष की यादें दोनों देशों के बीच तरोताजा थी, फिर भी सब कुछ भुलाकर पुतिन के कहने पर दोनों देश 9 मई 2021 को एक साथ आए। सवाल है क्यों? सवाल यह है कि 9 मई को ऐसा क्या है जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए रूस की पहल पर चीन और भारत को एक साथ आना पड़ा, और क्यों यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब दूसरा विश्व युद्ध है जिसमें 9 मई एक खास जगह रखती है। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, इसके बाद विजयी मित्र राष्ट्रों जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान शामिल थे, उन्होंने जर्मनी की वर्साई की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, उसको अपने जमीन के एक बड़े हिस्से से हाथ भी धोना पड़ा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो किसी और देश की जमीन पर, किसी और राज्य की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, और जर्मनी की सेना के आकार को भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह संधि अपमानजनक लगी और इसी वजह से वहां अति राष्ट्रवाद के बीच बढ़े और हिटलर के लिए रास्ता खुल गया। साल 1933 आते आते जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के रूप में फासीवादी तानाशाही सरकार काबिज हो गई। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। जर्मनी की सेना खुद को हथियारों से लैस करने में जुट गई और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला न करने का अपना वादा भी तोड़ दिया। जर्मनी ने हिटलर की अगुवाई में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हिटलर ने जो अटैक किया था ऑस्ट्रिया को, और जब ऑस्ट्रिया के अटैक के बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है किसी प्रकार से उन्होंने बड़ा विरोध नहीं किया था, तो उसके बाद भी उन्होंने ब्लिट्ज़क्रीग अटैक किया पोलैंड के ऊपर, बिना वार्निंग के अंदर वॉर्सो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी समय उस पोलैंड की लड़ाई को देखा रखते हुए ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर हमला बोल दिया और कहा कि वो वर्ल्ड वॉर लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्टेड डिसीजन हो गया। ये युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक ओर थे धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल थे। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण के मंसूबे पाले। जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1940 के जुलाई से सितंबर तक ताबड़तोड़ हमले किए। ये पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण का अपना इरादा रद्द कर दिया, लेकिन बाद में जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ की सेनाओं ने धूल चटा दी। चारों तरफ से हिटलर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और 8 मई को जर्मनी ने समर्पण कर दिया। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी कारण 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा। 22 जून 1945 को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने ऐलान किया कि जर्मनी पर रूस की जीत पर मॉस्को के रेड स्क्वाड पर सेना की खास परेड का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत में विक्ट्री परेड कई कई सालों में एक बार हुआ करती थी, लेकिन 1995 से इसे हर साल 9 मई के दिन आयोजित किया जाने लगा।
इसीलिए नाटो के करीब जाते यूक्रेन को अपनी ताकत दिखाने के लिए पुतिन ने 9 मई 2021 का इस्तेमाल किया, जिसमें उनके कहने पर भारत और चीन दोनों शामिल हुए। लेकिन जानकारों को डर है कि अगर पुतिन 9 मई तक यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाए तो वो वही रास्ता अपना सकते हैं जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपनाया था। 9 मई 1945 को भले ही रूस जर्मनी को हथियार डालने पर मजबूर कर चुका था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जारी था। जापान लगातार हमलावर था, जिसने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। 1941 में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर हमला करके अमेरिका को भी इस युद्ध में खींच लिया। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी तो खामोश हो गया, लेकिन जापान लगातार लड़ रहा था और उसे घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकन 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका के इस हमले में लाखों लोग मारे गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। इस तरह जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद दूसरा विश्व युद्ध अपने अंजाम पर पहुंच गया। अब दुनिया पर 77 साल बाद ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला 9 मई से पहले सुलझ जाए, वरना पुतिन के ऊपर जीत को लेकर पहले से कहीं ज्यादा दबाव हो जाएगा। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, व्हाट्सएप पोलैंड आज तक।